अरे रे 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 अरे गाइस वेलकम बैक और वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राइट फॉर गाइड। मैं हूं शैलेंद्र, नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पिंटू, ये भी है पिंटू, हम दोनों आप सभी का स्वागत करते हैं इस नई वीडियो में। अभी हम जा रहे हैं ऋषि आश्रम से लखनऊ जाएंगे, लेकिन इस बार हम जा रहे हैं इलाहाबाद होकर, मतलब कि प्रयागराज होकर। बाइक हमारी वहाँ लगी है और आप जब भी यहाँ पर आएँ पिंटू को अपने हिसाब से आप पैसे दे सकते हो, बाइक को देख लेगा। मेरा हेलमेट यहीं पर रखा था तो आप इसको अपने समझ के अनुसार पैसे दे सकते हो। चाय अच्छी पिलाई दी, ठीक है, मिलते हैं आपसे हम रोड पर। चलिए ठीक है, बाय। आप लेक जैसा है, तालाब जैसा जो देख रहे हो, इसमें बहुत बड़ी मछलियाँ पाई जाती हैं, ऐसा पिंटू बता रहा था। मैं वाला पिंटू नहीं, दूसरा, वो छुटका वाला। अरे रे 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 अरे बहुत ही चटक धूप है। क्या है ऋषि आश्रम का बोर्ड और श्री राम वन गमर मार्ग ऋषि आश्रम बरहा कोटरा, इसी रास्ता जाता है। तो ये देखिए, ऐसी जगह आपने देखी नहीं होगी। आप सोच रहे होंगे हम लोग कहाँ पर आए। जी हाँ, हम लोग बस ऋषि आश्रम से वापस जा रहे हैं। अब दूसरा रास्ता लिया है जिसमें प्रयागराज पड़ेगा इस बार। ये रास्ता पहले इतना सही नहीं था, अब ज़्यादा अच्छा बन गया है। ना देखिए कितनी खतरनाक दिख रही है यहाँ से। क्या सही लोकेशन है यार, कैंपिंग के लिए तो बहुत मस्त है। थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो गया नदी वदी देख देख के। खैर जितना सुना था लोकेशन थी तो, लेकिन उतनी बढ़िया भी नहीं थी। एक तो बहुत इंटीरियर में है हाईवे से, तो बस ऐसे ही है, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, ये चित्रकूट हिल्स है सारी की सारी। तो अभी थोड़ा ख़राब रास्ता आ गया। अरे भाई ये पानी कहाँ से आ गया इतना, कि नदी क्रॉस करनी पड़ेगी क्या? नहीं भाई ऐसा मत बोलो, ढलान पे हमेशा इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करें, क्लच ना दबाएं। क्यों दबा रहे हो शैलेंद्र बाबू? क्या गजब की लोकेशन है ये। एकदम खड़ी चढ़ाई है ये तो। मिल गई है पक्की रोड भाई, धूप के बादल छट गए, लेकिन ये लोकेशन बढ़िया है, थोड़ी पठारी एरिया इधर भी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं एमपी में आ गया हूँ फिर से। सामने के पहाड़ देखिए, पता नहीं कैमरे में पता चल रहा कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त है उधर, घना जंगल भी है इधर और पहाड़ भी है। गूगल मैप लगाना ही पड़ा यार, मैंने कहा कहीं भटक भटक गए, पर अब नहीं चाह रहे कि कोई गलत रास्ता लें। गलत रास्ता तो एक बार भी नहीं लिया हम लोगों ने, रास्ता ख़राब मिला वो बात अलग है। गूगल मैप में ये थोड़ी दिखाता है कि आगे रास्ता ख़राब है मत जाओ, ऐसे बोलना चाहिए इसको। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। उसको क्या है, बस जहाँ रास्ता छोटा रास्ता देगा पेल दिस। इधर से हम निकलेंगे गुरुपुर के पास, कोई पुराना सा किला है क्या है आगे लिखा है, वैसे तो बोर्ड है शायद, कोई तो फोर्ट है ये गढ़वा का फोर्ट। ये जो किला है ये गढ़वा का किला है इधर।
एसआई कंडर में है। तो ये है गढ़वा का फोर्ट, बड़ी अच्छी कंडीशन में है। लेकिन ये तो बड़ा बढ़िया है, काफी बढ़िया कंडीशन में नहीं है, काफी बढ़िया कंडीशन में है। तो यहाँ पर कोई कुआं है और ये गुप्तकालीन का जो है ये किला है, काफ़ी बढ़िया कंडीशन में है। बोर्ड पे एक्चुअली सारी डिटेल लिखी है, तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ तक आए हैं तो दो मिनट और सही। ये पंचकोणी प्रस्तर शिलाखंड से निर्मित परकोटा है और इसको राजा बघेल राजा विक्रमादित्य द्वारा सन 1750 में करवाया गया था और ये गुप्तकालीन का किला है, काफी बढ़िया है। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वापस, अब यहाँ से लेंगे राइट। काफी बढ़िया किला था, रखरखाव बहुत अच्छा था। ऐसा किला मैंने पहली बार देखा जिसका रखरखाव बहुत अच्छा था। पत्थर ऐसे लग रहा चमक रहे थे उसके, वो तो खैर बारिश की वजह से भी हो गया होगा, पत्थर धुल गए एकदम से। तो हम लोग आ चुके हैं नेशनल हाईवे 35 पर, वो देख रहे हो आप वो है रीवा वाला, प्रयागराज और रीवा वाला, और हमें मुड़ना है लेफ्ट। उसके बाद आ जाएंगे हम नेशनल हाईवे 731A पे। और प्रयागराज स्टार्ट हो चुका है, प्रयागराज का एंट्री गेट है एक तरीके का, लिखा है संगम नगरी प्रयाग आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। इसके बाद आ जाएगा नैनी ब्रिज, अब तो याद हो गया है भाई साहब, इधर उल्टे पुल्टे चले आते हैं लोग यार, तो फटके हाथ में आ जाती, क्या करा जाए, कहाँ जाए, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। तो देखिए समय का पहिया कैसे घूमता है, फिर से आ चुके हैं नैनी ब्रिज पर एक ही महीने में दो बार, और शानदार नज़ारा। अरे भाई बहुत भीड़ लगी आज तो, फिलहाल अभी हम हैं प्रयागराज में, प्रयागराज को कर रहे हैं बाईपास जल्दी जल्दी। और प्रशांत भाई निकल के एकदम से निकले वो, क्योंकि मोड़ आ गया था तो उनको निकल नहीं पड़ा। और प्रयागराज का ट्रैफिक समझ लो ऐसा होता है कि अरे मोरी मैया, बस रेलम पेल मची रहती बहुत जबरदस्त। और शाम का टाइम है यार, पीक ओवर है इस समय, ऑफिस से हर कोई निकल रहा है, कोई कहीं से निकल रहा है, तो हर एक पीक ओवर होता ही है कि ट्रैफिक का है ना कंजेशन थोड़ा होता है यहाँ पर। अबे क्या कर रहा है बोलेरो टेलेरो वाला। तो गाइस अभी है रायबरेली के आसपास और अभी डिनर करने के लिए रुक गए, अभी डिनर करते हैं और फिर पढ़ते हैं, रोशनी थोड़ी कम हो रही है। खाना एक नंबर है, खाने का टेस्ट बहुत ही बढ़िया है, मज़ा आ गया। तो गाइस वेलकम बैक, और अभी मैं हूँ ऊंचाहार से तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर आगे होऊंगा, तो एक ढाबा है यहाँ पर सिंह ढाबा करके भैया का, इतना बढ़िया खाना मिला मुझको यहाँ पर, अंडा करी खाया मैंने और भैया यहाँ पर हैं, तो भैया का सिंह ढाबा है ये हाँ तो छोटा सा है लेकिन दिल बहुत बड़ा है और खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो कभी आप आइएगा यहाँ पर तो रुकिएगा ज़रूर, MKD स्कूल के सामने आपको दिख जाएगा ये, ठीक है भैया। तो चलिए चलते हैं यहाँ से, तो मैंने खाना खाया एक करी 3 रोटी और सलाद, अब बिल हुआ कितने का 85 रुपए का। अरे मेरे तो होश उड़ गए, मैंने कहा सच में
मतलब इतना अगर खाना अगर कहीं और खाता तो शायद 150 रुपये से नीचे का बिल नहीं बनता। वेलकम बैक। और अभी मैं पहुंच चुका हूं घर पर अपने सेफली। रात के 11:30 बज चुके थे मुझे घर तक आते आते। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था क्योंकि इलाहाबाद प्रयागराज से लेकर मतलब रायबरेली तक का जो रूट है वो सिंगल लेन है और काफ़ी ज़्यादा रश होता है उस पर रात के टाइम। चाहे कितना भी आप कर लो लेकिन गाड़ी की जो हाई बीम है वो आपको पागल बना देती है। तो आज के ये जो ब्लॉग थे रेंडमली मैंने राइड पर चला गया था तो और मैंने बना दिए। तो आई होप ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लॉन्ग राइड की वीडियो बाद में आएंगे, अभी ये छोटी मोटी राइड की वीडियो से काम चला लो, बाद में आपके लिए लंबी राइड की वीडियो लॉन्ग राइड की वीडियो लेकर आऊँगा। वीडियो को करते हैं यहीं पर खत्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड से स्टे सेफ। बाय बाय बाय।